Hello everyone, welcome to Creative Learning Center. So today we will talk about the brush tool in this lecture. So let's get started. मैंने ऐसे कुछ एक बना लिया है. सपोज मैंने ये बनाया और इसे मैं ब्रश बनाना चाहता हूँ. आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है. आपको करनी क्या है, आप यहाँ पे जाइए और इसको ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए. बट मेक श्योर इसका बैकग्राउंड ऑफ होना चाहिए. अगर ये बैकग्राउंड ऑफ नहीं रहा तो जिसको भी आपने सिलेक्ट किया है वो भी ब्रश के अंदर आ जाएगा. तो मैं यहाँ से अपने बैकग्राउंड को ऑफ कर देता हूँ और ये पूरा ट्रांसपेरेंट अभी बन चुका है. एंड नाउ अगेन आई विल गो टू डिफाइन एंड डिफाइन ब्रश प्रीशेट्स और मैं यहाँ पे दे दिया सपोज पीकॉक ऐसे. बस हो गया अपना काम. अभी आप इसको कंट्रोल डी कीजिए, इसको हटा लीजिए. एंड नाउ आई विल टेक अ न्यू लेयर एंड आई विल गो टू दिस वन. आपको यहाँ पे पीकॉक मिल जाएगा. सेप के साथ तो नहीं मिलेगा बट आपको मिल जाएगा यहाँ पे. अभी आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आपको वो सेप के साथ भी मिल सकता है या नहीं दिखा रहा है. अभी यहाँ पे पीकॉक कुछ इस तरीके से दिखा रहा है. तो आपको क्या करना है, आप यहाँ से चाहिए और मैंने उसको ब्लैक में बनाया था बट नाउ आई विल यूज इन डिफरेंट काइंड ऑफ शेप. सी 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 ये देखिए. अभी आप तुरंत आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अरे ये अलग अलग साइज क्यों आ रहा है. जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अलग साइज क्यों आ रहा है. वो क्यों आ रहा है मैं आपको वो भी बता दूँ. आप यहाँ पे आइए एंड यहाँ ब्रश सेटिंग के अंदर में लिखा हुआ है शेप डायनामिक्स. अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको शेप डायनामिक्स को ऑफ कर दें. यहां से आपको शेप डायनामिक्स मिलेगा, ये वाला देखिए आप शेप डायनामिक्स मिलेगा जिसको आपको ऑफ कर देना है. और उसके बाद जब आप यहां पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको सेम मिलेगा. अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं, अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं आप यहां से रोटेट कर लीजिए. सी ये रोटेट हो गया. अगर आप इसको इधर करना चाहते हैं सी एंड किसी भी कलर में आप यहां से इसको ले सकते हैं. ये देखिए तो आप काफी अच्छा ड्राइंग, काफी अच्छा डिजाइन यहां पे बना सकते हैं. मैं इसी को इस्तेमाल करके आपको एक फटाफट एक चीज बनाकर दिखाता हूं. एक डिजाइन बना लेता हूं मैं इसको, फिर इसी को यूज करके मैं एक डिजाइन बना लेता हूं. एंड आई विल गो टू द इमेज, इमेज रोटेशन एंड आई विल रोटेट माई पेज लाइक दिस. एंड नाउ आई विल गो टू द ब्रश एंड आई विल जस्ट मेक इट लाइक जीरो और मेरा एकदम स्ट्रेट है. एंड मैं इसको थोड़ा छोटा करूंगा और इसको मैंने ऐसे क्लिक कर लिया. ठीक है, नाउ व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट टेक दिस अप. अभी मैंने इसको यहाँ पे रख लिया ऐसे. कंट्रोल टी करता हूँ और इसको ऐसे थोड़ा बना लेता हूँ. एंड नाउ आई विल मेक कॉपी बाय प्रेस कंट्रोल जे. कंट्रोल जे से हम कॉपी करते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया है. उसके बाद कंट्रोल टी करेंगे और ऑल्ट प्रेस करेंगे, ऑल्ट और ऑल्ट प्रेस करके यहां पे इसको ऐसे कर देंगे. जस्ट यहां से ऐसे क्लिक, इससे क्या होगा ये देखिए. एंड अपने कीबोर्ड पे प्रेस कीजिए ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट टी एंड सी. ये आपका डिजाइन बन गया. ऑल्ट कंट्रोल एंड शिफ्ट टी ये किस लिए यूज होता है, ये फ्रेंड्स इसका शॉर्टकट है. अगर आपको रोटेशन अगेन एंड अगेन करना है सेम डिग्री में तो आप ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल टी प्रेस कर सकते हैं. बार बार प्रेस कीजिए, आपको ये चीज हो जाएगा. इसकी भी मैं आपको एक वीडियो में पूरा इसके ऊपर एक मंडाला डिजाइन बनाकर मैं आपको दिखाऊंगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. बस आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना है और आपको हमारे आने वाले और पीछे की सारी वीडियोज देखनी है. इससे आपको ये कोई भी डाउट इसमें नहीं रह जाएगा. चलिए मैं अभी इसको यहां से आता हूं और यहां से यहां तक मैंने इसको डिलीट कर लिया. ये सारी चीजें मैंने डिलीट कर ली. अभी मैं यहां पे आ जाता हूं और इसके अंदर मैं क्लिक करता हूं. तो अभी आपको इसके अंदर ब्रश पे क्लिक करना है. सो मैंने ब्रश पे क्लिक किया और मैंने यहां से एक नया लेयर ले रखा है और मैं यहां से कोई भी एक ये वाली चीज ऐसे ले लेता हूं. अभी देखिए ये मैंने यहां से लिया हुआ है.
या फिर मैं वही लेता हूँ पीकॉक, तो इसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ इसकी ब्रश सेटिंग के बारे में। अभी आप इस पर क्लिक कीजिए और ये ब्रश सेटिंग ऑन हो जाएगी। यहाँ पे पहला जो आता है वह सेप डायनामिक्स। सेप डायनामिक्स मीन्स कि व्हेन विल क्लिक, तो हर टाइम अगर ये ऑन है, अगर सेप डायनामिक्स ऑन है तो आपको हर टाइम एक अलग अलग चीज़ें यानी कि अलग अलग साइज में ये आपको ऐसे मिलेगा। सी, ये अलग अलग साइज में आपको मिलता जाएगा अगर आपका सेव डायनामिक्स ऑन है तो। ये देखिए आपको अलग अलग जो सेप होते हैं उस सेप में आपको ये सेव डायनामिक्स ऑन होने चाहिए, तो ये आपको आप जब भी करेंगे तो ये अलग अलग सेप में मिलेगा। आप सेव डायनामिक्स ऑन करके सेट जीटर्स आप ऐसे सेट कर सकते हैं, मैक्सिमम डायमीटर, एंगल जीटर, तो ये देखिए हर टाइम अलग अलग आएगा। दिस इज कॉल्ड द सेव डायनामिक्स। When you will click on the scattering, so अगर आप scattering पे हो तो आप यहाँ पे देखिए, अगर आपकी scattering वाली options on है and if you are in the layer, so अभी आपको क्या मिलेगा, ये देखो ये आपका scatter हो रहा है। See, ये scatter हो रहा है, तो आप यहाँ पे scatter की भी value यहाँ से आप ऐसे बढ़ा लीजिए, ऐसे scatter कर दीजिए, तो अभी आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ये देखिए मैंने माउस को जस्ट इधर उधर क्लिक किया और ये इस तरीके से स्कैटरिंग होता जाता है। तो ये दोनों आपको बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। और एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अ कलर डायनामिक्स। कलर डायनामिक्स मीन्स कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, अगर आपने कलर डायनामिक्स को अप्लाई ऐसे कर लिया और यहाँ पे कर दीजिए अप्लाई पर टिप, आप ये देखो ये अलग अलग कलर में अपने आप अलग अलग कलर में आता जाएगा। दिस इज कॉल्ड द दिस वन इज कलर डायनेमिक्स। अगर आपको अलग अलग में चाहिए तो आप कलर डायनेमिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आपको बात। ओके फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हमने देखा कि हमें ब्रश का इस्तेमाल कैसे करना है, उसके यूजेस कैसे करने हैं, उसे बड़ा छोटा कैसे करना है, इवेंटली हमें ब्रश को यूज कैसे करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि ब्रश का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है, प्रैक्टिकल अप्लाई हम कैसे करते हैं अपने किसी भी डिज़ाइन के ऊपर। तो आप अगला वीडियो भी ज़रूर देखिए, और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।